आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हेलो, कोविड कंट्रोल रूम। सर, मुझे अर्जेंटली वेंटिलेटर बेड की जरूरत थी आगरा में। बेड की अवेलेबिलिटी चेक करता हूँ, आपको कॉल बैक करता हूँ मैडम। ICCC को कोविड के कार्यकाल में 12 रूम में चेंज किया गया, जिसमें विभिन्न अधिकारियों की ड्यूटियाँ लगाई गई थी जो 24/7 काम करता था। शहर के जितने हॉस्पिटल थे, सरकारी या प्राइवेट, उन सभी को एक ID देकर उन्हें कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर से जोड़ दिया गया था। उनके यहाँ जो भी बेड थे उनकी अवेलेबिलिटी हमें डिस्प्ले पर शो होती थी। हमारे 2 डिप्टी CMO रैंक के अधिकारी बैठते थे, उनसे बात करा के उनकी आवश्यकता के अनुरूप जिस हॉस्पिटल में बेड खाली होता था उसे वहाँ ट्रांसफर करते थे। मुझे अर्जेंट चाहिए, मुझे एक एम्बुलेंस के साथ प्लीज व्यवस्था करवा दीजिए। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनका HRCT है 21 है। जैसे किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है, किसी को दवा की जरूरत है, यहाँ तक के यहाँ पर ऐसी भी कॉल्स आती थी उस समय शमशान घाट में लकड़ी आदि की व्यवस्था कराने तक की भी कॉल्स आती थी। इसी कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से ये सारी व्यवस्थाएं कराई जाती थी। उस समय मेरे भाई की तबीयत काफ़ी खतरनाक कोविड होने के कारण उसे समझ में नहीं आ रहा था कहां पर हॉस्पिटलाइज कराऊं। फिर मैंने आसपास में जो हॉस्पिटल थे उसमें संपर्क किया, लेकिन वहाँ बेड की कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने कमांड कंट्रोल रूम स्मार्ट सिटी आगरा फोन किया, वहाँ से मुझे बेड का SN मेडिकल में अरेंज कराया गया। SN मेडिकल कॉलेज के अंदर एक बेड अवेलेबल है जिसमें कि ऑक्सीजन भी अवेलेबिलिटी है। जब लॉकडाउन हुआ था वो समय बहुत ही खराब समय था हमारा, यहाँ तक कि राशन पानी और इसके बाद सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं थी। मतलब कि एक बताइए, हम पार्ले जी बिस्किट के लिए भी तरस गए थे कि वो बच्चों के लिए कैसे दिया जाए। लॉकडाउन लगने के कारण काफ़ी कुछ फैमिली ऐसी थी जिनको राशन नहीं मिल पा रहा था। ICCC ने काफ़ी कुछ सहयोग किया है फील्ड में। ऐप के माध्यम से हमारे पास सब्जी ग्रोसरी के आइटम की रिक्वेस्ट ऑर्डर आते थे, हमारी टीम ICCC को एक लिस्ट प्रोवाइड करती जो पूरी तरीके से वेरीफाई होती थी। इंदौर में टोटल 19 जोन है, उनको 85 वार्ड्स में डिवाइड किया हुआ है, तो टोटल हमने हमारी 85 टीम डिवाइड की थी जो यहाँ पे प्रॉपरली हर हाउस होल्ड को राशन देने के लिए जाता था। वहाँ जाकर हम उसे राशन देते हुए फोटो भी लेते थे ताकि हमारे पास डिटेल रहे कि हम लोगों ने उन्हें राशन प्रोवाइड कर दिया है। जैसे अगर फैमिली में कोई एक मेंबर है या 2 मेंबर है और दोनों पॉजिटिव है, तो फिर हम वहाँ पे पक्के राशन की व्यवस्था करते थे ताकि उन्हें डेली एक टिफिन चला जाए मॉर्निंग में। जैसे कोई फैमिली में छोटा बच्चा है तो उस तरीके से हमने दूध पहुंचाया है, राशन भिजवाया, उससे हमारा गुजारा भी हो गया था। राशन के साथ साथ हमें 4 महीने की बच्ची के लिए दूध भी दिलवाया, इस बात की हमें बहुत राहत हुई। सारे सर्विसेज को एक जगह रखने की जो गवर्नमेंट के प्लान था, इसी हिसाब से ICCC बनाया गया है। ऑल स्मार्ट एलिमेंट्स अंडर वन रूफ। 1929 करके एक टोल फ्री नंबर हुआ करता था जो कि बेसिकली इट वाज ए ग्रीवेंस कॉल सेंटर, कोविड हेल्पलाइन के तरह भी इस नंबर को यूज किया। आवर कोविड सेंटर वाज सो प्रॉम्प्ट, वी कुड सेंड देम इमरजेंसी एम्बुलेंस यूज्ड टू रीच देम विद इन 15 मिनट। एनी पर्सन हु हैड सफर्ड फ्रॉम कोविड और उसके घर वाले मेंबर, सो दे वर अलर्ट कि आपके घर में अगर किसी को कोविड नहीं हुआ है सो काइंडली टेक द वैक्सीन। जो वयस्क लोग हैं जो 60 से ऊपर, उनको हम लोग घर में जाके वैक्सीन देते थे, उनका टेस्टिंग भी घर में होता था। वो लोग हमें डायरेक्टली यहाँ से फ़ोन करके बुक करते थे अपॉइंटमेंट। ऐसे भी बहुत लोग होते थे वो एक ही डोज लेके और लेने नहीं ले रहे थे, तो हम भी उनको फ़ोन करके बोल लेते कि नहीं आप और एक डोज ले लीजिए, ये भी ज़रूरी है, तो ये भी हम उनको गाइड करते थे। आपणकर 15 जून ने ड्यू थी आप कोविड सेकेंड डोज नहीं नाते। पहला डोज बेंगलोर में लिया हुआ था, जब मैं भुवनेश्वर आया तो आई वॉज लिटिल स्ट्रगलिंग कि कहाँ पर मेरे को मिलेगा या वापस मुझे बेंगलोर जाना पड़ेगा। दैट्स वेन आई गॉट कनेक्टेड टू 1929, जहाँ पे मेरे को सारी जानकारियाँ मिली कि कहाँ पे लेना है।
और यहाँ तक कि उन्होंने मेरे नज़दीकी जो सेंटर है वहाँ पे अलाइन किया, टाइम स्लॉट्स अलाइन किया, इट हेल्प मी अलॉट। मो फिजिकली हैंडीकैप्ड मो सहित बहुत प्रॉब्लम है जेहेतु कोविड समय से समय रे गाड़ी भी बंद थी लॉकडाउन थी तेणुकर मुझ 1929 को कॉल करी व्यवस्था करें कोविड सेंटर को लेकिन वैक्सीन देवाई।